सार्वजनिक चेतावनी। इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। हाँ, तो आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में वो नेता हैं, इनफैक्ट वो पॉपुलर नेता हैं, जिनके लिए जनता ने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डिमांड की थी। कहा था मुझसे कि भैया अगर इंटरव्यू लेना है तो इनका लो। तो स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से लालू प्रसाद यादव जी का। नमस्ते, रौनक है। लालू जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है तालियों के साथ। अभी तो बातें शुरू हुई, अभी से शांति। वैसे लालू जी, ये बताइए, जब आपको हमारे इस पॉपुलर इंटरव्यू के बारे में पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था? हमने पता किया कि आखिर इतना बात क्या हो रहा भाई। इतना इसलिए बात हो रहा है क्योंकि आजकल लोग हंसना भूल गए हैं और ये शो थोड़ा थोड़ा लोगों को हंसा देता है। आपको भी हंसी न आने की कोई समस्या है क्या? मतलब बताइए। अंदर बड़ी चिड़चिड़ाहट आ गया है, चिड़चिड़ाहट। फिर तो आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। है क्या बोलते रहता है तो हमको पैसा मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप माइक ठीक कर लो और कुर्ते का बांह चढ़ा लो और चालू। वेरी गुड सर। वैसे सर, मैं देख रहा हूँ सारे नेतागण मंच पर हैं लेकिन मुलायम सिंह यादव जी नजर नहीं आ रहे हैं। उनका इंतजार करें या फिर इंटरव्यू चालू करें, मतलब जैसा आप बोलो। मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं। स्टाइल है आपका। एक काम करते हैं, शुरू करते हैं इंटरव्यू। आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे बीच में। सबसे पहला सवाल और सबसे जरूरी सवाल वही है कि हर आदमी आपसे पूछना चाहता है, जब भैंसों का सारा चारा आप हजम कर गए तो बिचारी भैंसों ने अपना पेट कैसे भरा? भीख मांग का। और बिहार के भैंसिया लोग की हालत अब कैसी है ये बताइए। गरीबी है, गुर्बत है, लाचारी है, बेवसी है। अच्छा, एक और सवाल, अगर आप मुख्यमंत्री होते बिहार के तो आप अभी क्या करते? रहते। अच्छा, ये वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी है लालू जी, थोड़ा पर्सनल भी है। ये बताइए, एक और एक 11 कैसे होते हैं? हमारी 7 बेटी 2 बेटा। ये तो 9 हो गए, बाकी 2 अब लालू और रामड़ी 11 हो गए। 11 गजब की मैथ से आप पिटाली आएंगे। वैसे लालू जी, मैं फिर से रोकना चाहूंगा आपको, पूछना चाह रहा था मुलायम सिंह यादव जी का इंतजार करें या फिर आगे बढ़े, क्योंकि मंच पे उनके बिना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कोई बता रहा था, वेट करते हैं यादव जी का। हाँ, कोई बता रहा था खाने में आपको वो बहुत पसंद है, क्या कहते हैं उसको, पकौड़ी। किस चीज की पकौड़ी अच्छी लगती है आपको? प्याज के। प्याज के, अच्छा। और किसी दिन हमको भी खिलाइए ना प्याज का। आपको रुपया लाओ, जमा करो। आप फ्री में पैसा देके खाना होता तो कहीं और नहीं खा लेते, आपसे क्यों मांगते? फ्री में खिलाइएगा तो आएंगे। लालू नहीं मानेगा। मजाक अच्छा करते हैं आप। वैसे ऐसा ही आपने मोदी जी के साथ भी किया, खुद खूब सारी पकौड़ियाँ खा ली, उनको छूने तक नहीं दिया, फिर मोदी जी ने क्या किया? भारत पे जितना भी गाली देना, हम मोदी जी गाली देके गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप किसी का खाना खा लोगे तो आदमी गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? मैं तो सुना है कि लोग पटक भी देते हैं उठा के। नरेंद्र मोदी पटक देगा। पता नहीं कौन क्या पटकेगा, लेकिन आप बताओ ना, अगर आपकी पकौड़ियाँ कोई चुरा कर खा ले तो आप क्या करोगे उसके साथ लालू जी? छाती तोड़ देंगे। छाती तोड़ देंगे। वैसे छाती तोड़ने से याद आया, आप पहलवानों की तरह क्यों बात कर रहे हो? और पहलवानों से याद आया, मुलायम सिंह जी अब तक नहीं आए, क्या करें? फिर आगे जारी रखें या रुक जाएं उनके लिए? मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं। चलिए, वो नहीं आ रहे लेकिन हम जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले कुछ अच्छा सा सुनाइए ना अपने स्टाइल में लालू जी। जब तबला बजेगा धिन धिन, तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। क्या कलकत्ता क्या हुआ? मैं कान में सुनाई नहीं दे मेरे को, एक बार जरा फिर से। कान में शीशा डालो। क्या क्या कहा आपने? कहाँ पे डालो शीशा? कान में शीशा डालो।
कान ना, मतलब मेरे को लगा मैं, खैर मैं सॉरी, मैं कह रहा था आपसे बस सॉरी। हाँ सुनो बात। क्या सुनो बात, बताइए सुनाइए। गाली देते हो? गाली मैंने कब गाली दी? आंख दिखाते हो? आंख मैंने कब आंख दिखाई? सुनो डरा गए को रहे हो, ठीक से बात करो ना सर। CBI में भी हमको जानने वाले लोग हैं। अब मेरे को धमकी दे रहे हो आप, मैं तो इंटरव्यू ले रहा था बस, CBI में मेरे को बता रहे हो। बेवकूफ मत समझो। बेवकूफ, एक सेकंड, ये बेवकूफ वाली लाइन मत बोलिए, वो लाइन बोलिए जो सरजी मारते हैं। कौन सी लाइन? ये लाइन ज्यादा नहीं सूट करती, बेवकूफ मत बनाओ से ज्यादा अच्छी है कि नहीं लालू जी? क्या बात है, मतलब इंटरव्यू के अंत में आप हंस दिए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन मन में एक मलाल रह गया कि आप तो मंच पे दिखे, मुलायम जी अगर दिख जाते, मुलायम सिंह आते तो अच्छा लगता। मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय लालू जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद।